हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से जब विलियम और डगलस को एक लड़के ने डुबा दिया था पूल के अंदर और उनके मन में जो भय बैठ गया था, वो डूबने ही वाले थे और किसी प्रकार से वो बच गए वहाँ से, तो वो डर जो इतना गहरा उनके अंदर बैठ गया था मन में, तो वो बताते हैं कि वो डर जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उन्हें अब पानी से बहुत ही डर लगता था। तो उनका जो भी वो कहते हैं कि जॉय था, कैनोइंग का, बोटिंग का, फिशिंग का, स्विमिंग का, वो सारा जॉय जो है उससे उस डर ने उनको वंचित कर दिया था, डिप्राइव कर दिया था, उससे आगे हम अब देखेंगे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप। कहते हैं मैंने वो हर तरीका अपनाया जिससे इस डर के ऊपर ओवरकम यानी विजय हासिल की जा सके, जीत हासिल की जा सके, लेकिन इस डर ने जो है मुझे फर्मली यानी दृढ़ता से, मजबूती से जो है पकड़ के रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। जो मैंने 1 अक्टूबर को तय किया कि मैं जो है एक निर्देशक को, इंस्ट्रक्टर को तय करूँगा एंड लर्न टू स्विम, और उससे मैं जो है तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पे गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और सप्ताह में 5 दिन जो है स्विमिंग की प्रैक्टिस की, अभ्यास किया स्विमिंग का, एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने जो है मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस जो बेल्ट से है एक रस्सी बांध दी, और वो रस्सी जो है एक पुली यानी घिरनी से होकर के जाती थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि एक ऊपर के केबल के ऊपर से होकर के गुजरती थी रस्सी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसके एंड को, रस्सी के छोर को जो है इंस्ट्रक्टर खुद जो है पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे होते थे, मतलब उसमें पूल के अंदर पानी में बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस पूल के चारों तरफ पूल के अंदर आगे पीछे होते रहते थे, आर आफ्टर आर, मतलब घंटों, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, और कई सप्ताह तक, मतलब कई सप्ताह तक ये जो है काम चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप एक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो ये कहते हैं कि जब भी मैं जो भी मेरा ट्रिप होता था, मतलब जब भी मैं उस पूल के अंदर उतरता था, ईच ट्रिप, हर प्रत्येक बार, जितनी बार, प्रत्येक बार जब मैं उस पूल में उतरता था तैरना सीखने के लिए, तो वो जो डर था वो मुझे हर बार जो है थोड़ा सा वो डर जो है मुझे पकड़ लेता था, सीज कर लेता था, मतलब अभी तक भी जो डर है इनका, इनसे, उस डर से ये मुक्त नहीं हुए थे। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, each time the instructor relaxed his hold, और हर बार जो है instructor जो था वो अपनी पकड़ जो है रस्सी के ऊपर वो थोड़ी ढीली करता था और मैं जो है पानी के अंदर जाता था। Some of the old terror returned and my legs froze, जो वो पुराना जो भय है वो थोड़ा बहुत वापस लौटता था, मतलब अभी भी इनको भय लगता था, और उस भय के आते ही जो उस पुरानी जो भय की याद आते ही इनकी टांगे जो है वो क्या हो जाती थी, फ्रोज हो जाती थी, जड़वत हो जाती थी। इट वाज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैकन, और ये कहते हैं कि इस प्रकार से कम 3 महीने के बाद जो है ये तनाव जो है डर के कारण जो टेंशन था, तनाव था, वो कम होना शुरू हुआ, स्लैक यानी कम होना। Then he taught me to put my face under water, और उसके बाद इंस्ट्रक्टर के लिए ही आया है, उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, कि अपने चेहरे को पानी के अंदर डालना और सांस को बाहर निकालना, एक्सहेल यानी सांस को बाहर निकालना, छोड़ना सांस को, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर नाक को जो है पानी के बाहर करके और सांस लेना, इनहेल यानी सांस अंदर लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे जो है टुकड़ों टुकड़ों में हर बार जो है वो
पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर. तो जब भी मेरा जो सिर जो है पानी के अंदर जाता था, तो वो जब ये प्रयास मैं कर रहा था सांस छोड़ने का और सांस लेने का, तो धीरे धीरे जो पैनिक जो है उसको मैंने छोड़ना शुरू किया. कहने का मतलब है धीरे धीरे वो जो डर जो है, भय जो है, वो घटता गया. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. फिर उसने, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो पूल के साइड में मुझे पकड़ के रखा, हेल्ड मी यानी पकड़ के रखा, एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे अपनी टांगों से किक मारने के लिए कहा, मतलब पैर चलाने के लिए कहा. एक साइड पे पूल के एक किनारे पे इंस्ट्रक्टर ने इनको पकड़ लिया और इन्हें कहा कि वो पानी के अंदर जो है अपने पैरों को चलाए. 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और कहीं सप्ताह तक मैंने वही काम किया, तो मतलब पूल के अंदर अपने पैरों को केवल चलाना. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. शुरुआत में तो जो है पैरों ने चलना, काम करना मना कर दिया, मतलब पैर चल ही नहीं रहे थे. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुए, सही हुए, शांत हुए, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार जो है मैं अपने पैरों पे कमांड कर सकता था. कहने का मतलब है कि शुरुआत में पैर जो है फ्रोज हो गए, जड़वत हो गए, उनके ऊपर इनकी कमांड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है पैरों के ऊपर इनकी कमांड होने लगी, पकड़ होने लगी, और इन्होंने पैर चलाना पानी के अंदर शुरू किया. दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में करके उन्होंने एक स्विमर को, तैराक को तैयार किया. किसने? इंस्ट्रक्टर ने. एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने एक टुकड़े को परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इन टू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उन्होंने उन टुकड़ों टुकड़ों को साथ में जोड़ करके एक संपूर्ण तैराक का निर्माण किया. इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम. अप्रैल में क्या कहा इंस्ट्रक्टर ने इनको, कि अब तुम जो है तैर सकते हो. मतलब 1 अक्टूबर को इन्होंने तैरना सीखना शुरू किया था, और अप्रैल में जाकर के इंस्ट्रक्टर ने उनको कहा कि अब तुम जो है तैर सकते हो, अब तुम सीख चुके हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, के इसके अंदर डुबकी लगाओ और पूल के अंदर और तैरो. क्रॉल स्ट्रोक यानि तेजी से तैरो. आई डिड, मैंने किया. द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो ख़त्म हो चुका था यहाँ पे. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन विलियम ओ डगलस कहते हैं कि लेकिन मेरा जो कार्य है अभी भी पूरा नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि अभी भी मुझे आश्चर्य था, मतलब अभी भी मुझे ये लगता था कि अगर मैं जो है अकेला पूल में उतरूंगा तो वो डर जो है वापस मुझे भयभीत करेगा. आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की. आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, जो मैं पूल के पूरी उसकी लंबाई में तैरा. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और पुराने उस भय के कुछ भाग जो है वापस लौट के आए, रिटर्न यानी लौटे. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब जो मैं है गुस्से में उसको कह सकता था भय को, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. अह वेल हियर इज टू यू, ये लो, लुक, देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, कि अब देखो मैं जो है दोबारा इस पूल को तैर के पार करूँगा. दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और ये जो है जुलाई तक ऐसे चलता रहा, मतलब ये प्रैक्टिस करते रहे अप्रैल से लेकर जुलाई तक ऐसे ही अपने डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मैं आश्वस्त नहीं था कि जो है पूरी तरह से भय जो है उसने मुझे छोड़ दिया है, भय ने मुझे मुक्त कर दिया है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. तो ये कहते हैं मैं वेंटवर्थ में, जो लेक का नाम है न्यू हैम्पशायर में, वहाँ गया और मैंने वहाँ डुबकी लगाई ट्रिक्स आइलैंड महाद्वीप में, और 2 मील तक जो है मैं एक झील में स्टैम्प एक्ट आइलैंड के वहाँ एक लेक में झील में 2 मील तक वहाँ पे तैरा. आई स्वेम द क्रॉल, तो और जो तैरने के इनके तरीके ये बता रहे हैं
कि तेजी से तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तैरना, साइड स्ट्रोक यानी शरीर को एक तरफ करके तैरना, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ के बल तैरना। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ऐसा हुआ कि वो जो भय था वापस आया। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब जो है मैं कहाँ पे था, लेक के उस झील के बीचों बीच था, तब वो टेरर जो है भय जो है वापस लौटा। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, मैंने अपने फेस को चेहरे को अंदर कर दिया पानी के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट बॉटमलेस वाटर, तो तलहीन पानी के अलावा, अथा पानी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वो पुरानी जो सनसनाहट थी, पुराना जो डर था, वो वापस थोड़े से टुकड़ों में, मतलब थोड़ी मात्रा उसकी वापस आ रही थी, अभी भी थोड़ा इनको डर लग रहा था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या आप क्या सोचते हो, आप मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और वो डर जो है चला गया उड़ के और मैं तैरने लगा। कहने का मतलब है कि इन्होंने डर को जो है भगा दिया, डटकर डर का मुकाबला किया और इन्होंने तैरना शुरू रखा। यट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर जो है कुछ बचे हुए संदेह थे, डाउट्स थे तैराकी को लेकर। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और जब मुझे मेरा पहला जो अवसर मुझे मिला, मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मिडोज, और टाइटन से लेकर कॉनरेड मिडोज तक, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिडो ग्लेशियर, कॉनरेड क्रीक ट्रेल से लेकर के ग्लेशियर, मीड ग्लेशियर तक, एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और जो वार्म लेक के साइड में जो बड़ी घास की हाई मिडोज एंड बड़ी घास के जो मैदान थे, वहाँ पे मैंने निवास किया, कैंप किया, वहाँ रुका। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह जो है मैंने अपने स्ट्रिप्ड यानी टुक ऑफ क्लोथ्स, अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, उस लेक के अंदर, झील के अंदर डुबकी लगाई, एंड स्वेम अक्रॉस द अदर शोर, और दूसरे शोर तक, तल किनारे तक तैर के गया, एंड बैक, और वापस तैर के आया, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन करते थे। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो मैं खुशी से चिल्लाया तो वो मेरा जो चिल्लाने की जो आवाज़ थी उसकी प्रतिध्वनि हुई, कहाँ से, गिलबर्ट पीक से, गिलबर्ट शिखर से, चोटी से। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने जो है अपने पानी से डर के ऊपर कॉन्कर हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. और इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था, डीप मीनिंग यानी गहरा अर्थ था, और केवल वो लोग ही इसे जान सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार के टेरर को, इस प्रकार के भय को जाना हो और इसके ऊपर जीत हासिल की हो, वो लोग ही इसे अप्रिसिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, जो मृत्यु में क्या है, शांति है, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो सब शांत हो जाता है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और भय तो किस में है, डर के, मृत्यु के भय में डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और हम सभी को किससे डरना चाहिए, डर से, खुद से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड experienced both the sensation of dying, क्योंकि मैंने दोनों अनुभव किए थे, कौन से दोनों, sensation of dying, मृत्यु का अनुभव, and the terror that fear of it, और मृत्यु के डर के कारण जो भय होता है उसको भी अनुभव किया था। the will to live somehow grew in intensity, और अब जो है मेरी, कहते हैं कि will जो है, इच्छा शक्ति जो है जीने की, वो किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ चुकी थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिरकार जो है मैंने रिलीज्ड महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब जो मैं है स्वतंत्र था, आज़ाद था, पगडंडियों पर चलने के लिए, ट्रेल्स यानी पगडंडियाँ, और शिखर पर चढ़ने के लिए, क्लाइम करने के लिए, और मैंने अपने डर को जो है
एक तरफ कर लिया था।